विधानसभा चुनाव ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस पहाड़ी राज्य की एकमात्र सीट जीत नहीं पाई। 2024 नजदीक है, राज्यसभा चुनाव में आपने देख लिया किस तरह के हालात कांग्रेस के हैं। आने वाले समय में कांग्रेस की ये जो टीस है क्या ये कम हो पाएगी, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेस अपनी गलती से सीख चुकी है? क्या कांग्रेस को जनता उस तरीके से देख रही है जो 1984 में देखा गया था? भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कांग्रेस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन महज 10 सालों में ही कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने बिल्कुल पतन पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुआ और राज्यसभा चुनाव ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस पहाड़ी राज्य की एकमात्र सीट जीत नहीं पाई। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी पर भी संकट ला दिया है। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि सरकार बचाने के लिए पार्टी हिमाचल में मुख्यमंत्री भी बदल सकती है। पार्टी ने इसके लिए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को ऑब्जर्वर बनाकर शिमला भेजा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्या कांग्रेस हिमाचल में ऑपरेशन लोटस से बच पाएगी? क्योंकि ऑपरेशन लोटस से ही लगातार कांग्रेस के पतन की शुरुआत हो चुकी है। ऑब्जर्वर डीके शिवकुमार ने हिमाचल में सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। डीके शिवकुमार के मुताबिक सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये साजिश कर रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पवन बंसल ने हिमाचल के सियासी नाटक को ऑपरेशन लोटस कहा है। इसके बाद से ऑपरेशन लोटस को लेकर एक बार फिर से बात होने लगी है। यहां पर उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार के बावजूद बीजेपी अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस के भीतर हिमाचल के सियासी ड्रामे के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि विधायकों के बगावत का पैटर्न ऑपरेशन लोटस का है, जिसे समय रहते सुखू भांप नहीं पाए। आखिर कहां चूक गए सुखविंदर सिंह सिक्खू, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले तक सुक्खू को नहीं पता था कि कितने विधायक बगावत कर रहे हैं, जबकि सरकार का इंटेलिजेंस विभाग उन्हीं के पास है। क्रॉस वोटिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आई। कांग्रेस लगातार ये समझ नहीं पाई कि आखिर हो क्या रहा है। क्रॉस वोटिंग के बाद सभी विधायक पंचकुला चले गए, लेकिन हिमाचल पुलिस उन्हें रोक भी नहीं पाई। हिमाचल सरकार का गृह विभाग भी सुखों के पास ही है। ऑपरेशन लोटस, जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, आखिर इसका लेटेस्ट पैटर्न क्या है, इस पर नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो ये साइलेंट तरीके से विधायक एकजुट होते हैं और किसी बड़े अवसर पर बगावत कर देते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये बड़ा अवसर राज्यसभा का चुनाव ही बना है। बगावत करने वाले विधायकों को तुरंत बीजेपी शासित राज्यों में ले जाया जाता है। विधायक तब तक उस राज्य में रहते हैं जब तक कि सरकार गिर नहीं जाती। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा उदाहरण है, आगे उस पर चर्चा करेंगे। विधायकों के बगावत के बाद कानूनी टीम सक्रिय हो जाती है। सरकार गिराने में टीम भी अहम भूमिका निभाती है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में सत्र से पहले विधायक गायब हो गए थे। दरअसल सरकार गिराने का यह पैटर्न पहली बार कर्नाटक 2019 में देखा गया। जुलाई 2019 की बात है जब कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों ने साइलेंट तरीके से बगावत का बिगुल फूंक दिया था। विधायकों का नेतृत्व रमेश जरकीहोली कर रहे थे। सभी विधायक कर्नाटक छोड़ तुरंत गोवा चले गए और फिर वहां से महाराष्ट्र। सरकार गिरने तक विधायकों ने यहीं डेरा डाला रखा। विधायकों के बगावत के बाद राजभवन भी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आया। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। कोर्ट के केस जाने के बाद कुमार स्वामी सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करा दिया, जिसमें उनकी हार हो गई। दूसरा उदाहरण यह है, राज्यसभा चुनाव से पहले विधायक भाग जाना। दरअसल
2020 की बात है जब मध्य प्रदेश में राज्यसभा के 3 सीटों के लिए आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी थी। चुनाव की घोषणा के कुछ दिन बाद ही कांग्रेस के 27 विधायक गुपचुप तरीके से कर्नाटक भाग गए। सभी विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के थे। कर्नाटक पहुंचने के बाद विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई थी। कमलनाथ ने इसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कमलनाथ के इस्तीफा देते ही शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अब राज्यपाल ने इस दावे को स्वीकार लिया और शिवराज को पद की शपथ दिला दी थी। कौन भूल सकता है भला, इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के 27 विधायकों के खाली सीटों पर उपचुनाव कराए गए, जिसमें से 18 विधायकों ने जीत हासिल कर ली थी। तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण है एमएलसी इलेक्शन। 2022 के जून में महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव प्रस्तावित थे। चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। मतदान के दौरान शिवसेना के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग के तुरंत बाद विधायक सूरत के लिए निकल गए। विधायकों के सूरत जाते ही महाविकास अघाड़ी सरकार को ऑपरेशन लोटस का डर सताने लगा। इधर बीजेपी ने अपने विधायकों के किलेबंदी मजबूत कर दी थी। सूरत से बागी विधायक गुवाहाटी पहुंच गए और शिवसेना पर ही दावा ठोक दिया। इसी बीच राजभवन एक्टिव हुआ। राजभवन ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन ठाकरे को राहत नहीं मिल पाई। इसके बाद उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। उद्धव के इस्तीफा देने के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे ही इस बगावत का नेतृत्व कर रहे थे। ऑपरेशन लोटस क्या है, किस तरह से काम करता है, क्यों इसे इस तरीके से जैसे कोई खुफिया एजेंसी हो कहा जाता है, देखा जाए तो एक सियासी ऑपरेशन है जिसे सत्ताधारी बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कांग्रेसी या विपक्षी दल ऑपरेशन लोटस का उदाहरण देते हैं। सत्ताधारी बीजेपी किसी भी राज्य में विपक्षी पार्टियों की सरकार को अस्थिर करने की जो प्रक्रिया अपनाती है, उस प्रक्रिया को ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। 2008 में ऑपरेशन लोटस का जिक्र पहली बार कर्नाटक में हुआ था, तब आपने सुना होगा। उस वक्त कर्नाटक में बहुमत ना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी। विपक्ष के 7 विधायकों को तोड़ दिया था। ये विधायक कांग्रेस और जेडीएस के थे। 2019 में डेक्कन हेराल्ड के साथ एक साक्षात्कार में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने ऑपरेशन लोटस को सही ठहराया था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के लिए सही है और इस्तीफा देकर पारा बदलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन लोटस पर बीजेपी हाईकमान ने कभी भी खुलकर तो कुछ कहा नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि आखिर ये कहां पास है और कहां फेल है। देखिए, एक सीमा होती है हर किसी चीज की, तो ऑपरेशन लोटस की भी एक सीमा है। देखिए, 16 साल का जिक्र करूं मैं तो यहां पर ऑपरेशन लोटस कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा में चलाया गया है। देखिए, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड में ऑपरेशन पूरी तरीके से फेल हो गया। बिहार में 2015 में नीतीश और लालू के साथ आने की वजह से जीतन राम मांझी को आखिरी वक्त में इस्तीफा देना पड़ा था। इस तरह राजस्थान में अशोक गहलोत ने समय रहते ही विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी, सरकार बचा ली थी। हालांकि इस कथित सियासी ऑपरेशन की जद में कर्नाटक के कुमार स्वामी, महाराष्ट्र की उद्धव, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार आ चुकी है, और ये किससे छिपा नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर जिस पर हम शुरुआत हमने जिससे की थी, कांग्रेस के पतन की शुरुआत आखिर क्यों हो रही है। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी आज अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रही है, और लड़ाई अपनों से भी है, लड़ाई दूसरों से भी है। महज 10 साल पहले तक केंद्र की सरकार में रही ये पार्टी करीब करीब पूरे उत्तर भारत में शून्य के कगार पर आ चुकी है। उत्तर भारत में अपने दम पर केवल हिमाचल प्रदेश की सत्ता में ही है, और वहां पर भी कब कुर्सी चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलंगाना में उसकी सरकार है। कांग्रेस पार्टी की दुर्गति एक दशक में नहीं हुई है,
ये वही पार्टी है जिसने 1984 में भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। आज स्थिति यह है कि लोकसभा में पार्टी बीते दो चुनाव से विपक्ष के नेता की कुर्सी भी हासिल नहीं कर पा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे कुल 48 सीटें मिली, वहीं 2014 में उसे 44 सीटों पर ही जीत मिली थी। देश की सबसे पुरानी बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी के पतन की शुरुआत करीब 4 दशक पहले शुरू हो गई थी, पर इस पर कोई फोकस नहीं कर पा रहा है। उस वक्त ये कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में थी। हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा चुनाव की। उस वक्त स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी और उसने सहानुभूति वोट के दम पर जबरदस्त जीत हासिल की थी। उस वक्त 516 सदस्यीय लोकसभा में कांग्रेस को कुल 404 सीटों पर जीत मिली थी, जिसका टारगेट आज बीजेपी कह रही है कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। ये सीटें ऐतिहासिक कांग्रेस ने जीती थी। ये अब तक के भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। और क्या बीजेपी 2024 में वो कमाल कर पाएगी या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें मिली थी। सोचिए, 2 सीटें महज। प्रचंड बहुमत, वोट बैंक। 1984 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई राजीव गांधी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए बेहद खराब फैसला लिया था, या ये कहें कि ये मैच्योर फैसला नहीं था। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले को पलटना। आम चुनाव के कुछ ही महीने बाद 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया था कि वह अपनी परित्यक्ता पत्नी शाहबानो को करीब 180 रुपए मासिक का गुजारा भत्ता दे। इस दौरान अपनी पत्नी को 43 साल की उम्र में परित्याग कर एक युवा लड़की से दोबारा शादी कर ली थी। इस शख्स ने यह केस बहुत चर्चा में आया था, आज भी इसकी चर्चा होती है। शाहबानो अपने मायके में रह रही थी। शाहबानो ने जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुजारे भत्ते के लिए गुहार लगाई तो मोहम्मद खान ने उन्हें तलाक दे दिया और कहा कि वह अब उन्हें कुछ नहीं देंगे। मोहम्मद खान ने कहा कि एक मुस्लिम पुरुष दोबारा पत्नी को तलाक देने के बाद शरिया कानून में गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है। इस पूरे मामले में उन पर भारत का आपराधिक कानून लागू नहीं होगा। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुना दिया। शरिया कानून को देखते हुए किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक मुस्लिम महिला पति द्वारा तलाक दिए जाने के बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता CPC के तहत अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग का आरोप लगा था, इसीलिए इस बात का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। शाहबानो की ओर से मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक ऐसी नजीर पेश कर दी जिसे भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता पर नई बहस शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया, उसने मोहम्मद खान को गुजारा भत्ता देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया और वो इसका खुलेआम विरोध करते रहे। मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में राजीव गांधी की सरकार भी आ गई और उसने इस फैसले को पलटने के लिए संसद में अपने बहुमत का दुरुपयोग कर दिया। उसके बाद से राजीव गांधी की सरकार की इस गलती का खामियाजा कांग्रेस आज तक कत रही है। 2 सांसदों वाली पार्टी केंद्र की सत्ता में आई। कथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजीव गांधी की सरकार की इस गलती का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। 1984 के आम चुनाव में केवल 2 लोकसभा सदस्यों की पार्टी केवल 12 साल के भीतर केंद्र की सत्ता पर काबिज हो गई। भाजपा 1996 के आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वो पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल रही। उसके बाद भाजपा के उत्थान की कहानी किसी से छिपी नहीं है। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटे जाने के बाद से देश में छद्म निरपेक्षता को लेकर बहस छिड़ गई। इस बहस ने पूरे जनमानस की सोच को बदल कर रख दिया। वोट बैंक के तत्कालिक फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो गलती की उसे सुधारने के लिए वो आज तक संघर्ष कर रही है। फैसले को पलटे जाने के तुरंत बाद ही राजीव गांधी को एहसास हो गया था कि उनसे बड़ी राजनीतिक गलती हो गई। उन्होंने इसकी भरपाई के लिए अयोध्या में राम मंदिर का ताला भी खुलवा दिया था। इसके बाद से पार्टी लगातार खुद ये साबित करने में लगी रही कि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है।
फिर कभी भी बहुमत हासिल नहीं कर पाई कांग्रेस। जी हाँ, 1984 में भारतीय इतिहास की प्रचंड जीत हासिल करने वाली कांग्रेस आज तक फिर कभी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। 1984 में कांग्रेस को लोकसभा में 404 सीटें मिली थी, वहीं अगले चुनाव यानी कि 1989 के आम चुनावों में वो 197 सीटों पर ही सिमट गई। उस चुनाव में भाजपा 2 में से 85 सीटों पर पहुंच गई। इसके बाद 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। हालांकि पार्टी को चुनाव में 244 सीटें मिली और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन 1986 में देश में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया। इसमें करीब 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही। 2004 में कांग्रेस पार्टी केवल 145 सांसदों के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। 2009 के चुनाव में उसे 206 सीटें मिली थी और गठबंधन की सरकार बनाए रखने में कामयाब हुई, लेकिन 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सामने कांग्रेस पूरी तरह से पस्त हो गई है। 2014 से लेकर 2019 का चुनाव भी निकल गया, कांग्रेस उभर नहीं आ रही। उसके बाद बहुत सारे चुनाव हो गए हैं लेकिन कांग्रेस फिर भी उभर नहीं पा रही है। 2024 नज़दीक है, राज्यसभा चुनाव में आपने देख लिया किस तरह के हालात कांग्रेस के हैं। आने वाले समय में कांग्रेस की ये जो टीस है क्या ये कम हो पाएगी, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेस अपनी गलती से सीख चुकी है, क्या कांग्रेस को जनता उस तरीके से देख रही है जो 1984 में देखा गया था या नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार है या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस के पतन की शुरुआत अभी की नहीं है, 10 सालों की नहीं है, इससे पहले ही इसकी कहानी कहीं ना कहीं गलती से लिख दी गई थी और वो जो पन्ने हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना है कि किताब कब बंद होगी और कब एक बार फिर से कांग्रेस वापसी कर पाएगी। भारत एट 9 में फिलहाल इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।